जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि जब हम वाई टी स्टूडियो को क्रोम में जाके ओपन करते हैं तो हमारा वाई टी स्टूडियो है फिर से जो है वो वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर जाके वो ओपन हो जाता है, या फिर हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं तो फिर जाके हमारा जो वाई टी स्टूडियो वो क्रोम में जाके ओपन होता है। आखिर ये क्यों होता है? देखें, फ़ोन के अंदर एक ऐसी सेटिंग होती है जो जिसको हम ऑन नहीं करते। मोबाइल चाहे आपका हवावे का हो, सैमसंग का हो, या कोई भी ऐसी कंपनी हो, तो आपने वहाँ उसके अंदर जाके सेटिंग करनी है ताकि फिर आपका जो वाई टी स्टूडियो वो डायरेक्ट क्रोम के अंदर खुले, ना कि जाके एप्लीकेशन में आए। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल का आइकन है उसको आपने वो दबा देना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर और वहाँ पे हमने वो स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देखिए, मैं क्रोम के ऊपर मैंने अपना जो चैनल है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। ये जो मेरा चैनल का लोगो है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। यहाँ आपको ये जो वाई टी स्टूडियो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर वो क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर वो क्लिक करूँगा तो ये फिर से जो है वो वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन में ये देखें ओपन हो गया है। तो इसका जो हल है वो आज हमने वो निकालना है। तो आप पीछे आ जाते हैं हम, या फिर हम योर चैनल के ऊपर चले जाते हैं, तो फिर या फिर हम इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है हमें, तो फिर जाके ये हमारा क्रोम है वो ओपन होता है। वैसे ही ओपन नहीं होता, तो हम आज हमने इसकी वो प्रॉपर एक सेटिंग करनी है। जैसे देखें ये कस्टमाइज लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने वो क्लिक करेंगे तो जाके ये हमारा ओपन होगा, वैसे ही ओपन नहीं होगा। तो अब हम पीछे आ जाते हैं, तो इसकी जो है अपनी इसकी जो है वो सेटिंग हमने करनी है। मोबाइल आपका कोई भी हो, मैं आगे आपको बता चुका हूँ। अब पीछे आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है, तो उसके बाद हमने ये नीचे आ जाना है। यहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है ऐप्स मैनेजमेंट, या फिर आपका खाली ऐप्स होगा, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऐप्स मैनेजमेंट इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। उसके बाद ये जहाँ लिखा हुआ है ऐप सेटिंग इसके ऊपर आपने वो क्लिक करना है। तो जैसे हमने इसके ऊपर वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी वो आ जाएंगी। अगर नाम भी आपका जो वाई टी स्टूडियो यहाँ पे शो हो तो यहाँ पे आपने वो इसके ऊपर जो सर्च बार है इसके ऊपर आपने वहाँ क्लिक करना है तो वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके नीचे पहले देख लेता हूँ मेरा इधर आया होगा। तो ये देखें, ये जो वाई टी स्टूडियो है यहाँ पे मेरा है, इसको मैं वो क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जहाँ ये लिखा हुआ है ओपन बाई डिफ़ॉल्ट। आपका हो सकता है ये लिखा हो सेट एज ए डिफ़ॉल्ट, ये जहाँ मैं लिखा हुआ है ना ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर मैंने वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओपन सपोर्टेड लिंक, यहाँ पे हमने वो इसको वो क्लिक करना है। ठीक हो गया। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है आस्क एवरी टाइम, यहाँ पे हमने वो क्लिक करना है। तो आपका हो सकता है कि सेट ऐसे लिखा हो तो आपने वहाँ पर वो क्लिक कर देना है। तो अब हमने यहाँ पर इसको वो क्लिक कर दिया है। अब हम पीछे आ जाते हैं, फिर से जो अपना वो क्रोम है उसको हमने वो ओपन कर लेना है। फिर से मैं क्रोम के ऊपर आ गया हूँ, तो ये मेरा जो चैनल है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। अब हमने ये चेक करना है, ये जो हमारा जो वाई टी स्टूडियो है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो ये देखें, अब हमें वो यहाँ पे वो कह रहा है चूज़ एक्टिविटी, तो हमने यहाँ पर इसको वो क्रोम में करना है। जैसे हम क्रोम में करेंगे तो ये हमारा जो है वो वाई टी स्टूडियो अब क्रोम में जाके वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये देखें हमारा, ये देखें बिल्कुल सेम वही तरीके से हमारा जो है वो क्रोम में जाके हमारा ये ओपन हो गया है। तो आप भी अपने मोबाइल किस तरह आपने वो सेटिंग कर लेने हैं ताकि आपका जो जो वाई टी स्टूडियो है डायरेक्ट जाके वो क्रोम में ओपन हो जाए। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।